हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज सामान देखकर आपको लग रहा होगा कि कुछ स्पेशल बन रहा है, तो यस, मंचूरियन बन रहा है। और ये देखिए, हमने लिया है ये गाजर, दो बड़ी गाजर हैं जिनको ग्रेट कर लिया है, ऑरेंज वाली आजकल मिल रही हैं। पत्ता गोभी को हमने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है, एक मीडियम साइज का पत्ता गोभी है। ये हमने लिया है कॉर्नफ्लोर पाउडर, ये चार बड़ी चम्मच है, चार टेबल स्पून है। अजीना मोटो हमने एक टीस्पून लेवल लिया है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, ढाबा स्टाइल है, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। आप घर में बनाएं तो स्किप कर सकते हैं। नमक है स्वाद के अनुसार, और ये काली मिर्च पाउडर हमने 3/4 टीस्पून ली है। और ये एक बाउल हमने मैदा लिया है। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे, इसके पकौड़े बनाएंगे, मैं आपको बताती रहूँगी। ये जो ब्रेड है ना, तीन पीस लेकर हमने हल्का सा पानी में डिप करके ना उनको ऐसे मैश कर लिया है, वो भी हम इसमें डालने वाले हैं। ये तड़के के लिए सामान है जो हम जब डालेंगे तो आपको बताएंगे। अब ये देखिए, हमने ब्रेड इसमें रख ली है, मतलब सॉफ्ट ऐसे हो जाए आटा जैसे ना, थोड़ा सा पानी डाल लिया। आप देखकर डालें, अगर गाजर थोड़ी सी गीली है तो कम पानी यूज कीजिए। अब जो हमने सामान प्लेट में निकाल के रखा है ना, ये हम सारा इसमें डाल देंगे और इसको ना हाथ से मैश कर, थोड़ी थोड़ी मैदा डालते जाएंगे और उसको मैश करेंगे। मेन है कि यहाँ पे ना बाइंड हो जाए। और नमक, ये जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, ये सब आप चक्कर देख सकते हैं। तो हल्का सा, अगर आपको ड्राई लग रहा है तो हल्का सा पानी भी इसमें हम मिला सकते हैं। देखिए, मैं आप इसमें काफ़ी ड्राई है तो हल्का सा पानी का छींटा देंगे और इसको मिक्स करेंगे, ताकि पकौड़े जैसे इसके उतर सकें, है ना, बॉल बन सकें। आपको पता ही है मंचूरियन आपने खाया है कि किस टाइप का चाहिए। ये देखिए, हमने इसको ना डो की तरह लगा लिया है। इसमें ना हम लोई की तरह इसको तोड़ेंगे और ऐसे गोल कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे, देखिए छोटे छोटे साइज के बनाकर रखते जाएंगे। हल्का सा ऑयल का हाथ लगाएंगे ताकि वो आपके हाथ में चिपके नहीं। जब आप इसका डो बना लेना तो हैंड को अच्छे से वॉश कर लें और बस फिर ऐसे बनाते जाएं। और इसमें ना हमारी पूरी एक कप मैदा लग गई है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कितने सारे हैं। और इनको ना आप फ्राई करके प्रिजर्व भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। आज हम थोड़ी सी ग्रेवी के साथ थोड़े यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा होंगे तो हम उसको रख भी सकते हैं। और ये देखिए, हम इस तरह से इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। तेल को मीडियम हॉट रखना है, ताकि आगे से भी ना वो सुनहरा हो जाए और बीच में से भी। ये देखिए, सारी मंचूरियन बॉल हमने इस समय डाल ली हैं, जितनी कढ़ाई में आ सकती थी, और इसके सिकने की इंतज़ार करते हैं, है ना। सारी हिलाएंगे नहीं, जब वो एक तरफ से ब्राउन होना शुरू हो जाएगी ना, तब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो हल्का हल्का लगातार हिलाते हुए हम इन्हें डार्क ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। दूसरी साइड, जब तक हमारे कोफ्ते पक रहे हैं, हमने पैन में ऑयल डाल लिया है, तीन बड़े टेबल स्पून ऑयल है। और ये अब हम साथ में ही डाल देंगे तीनों चीज़ें, अदरक, गरम होने लगा है तेल, देखिए, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज, इकट्ठा ही हम इनको भूनेंगे, ठीक है, इनको हम इकट्ठा चलाएंगे, ऐसे चलाकर भून लेंगे। बहुत तेज गैस नहीं रखना है, पहले पहले आप सामान डालें तब तक गैस धीमा रखें। और ये देखिए, इस तरह का कलर हो जाना चाहिए, अंदर से पूरे पक जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कोफ्ते हो गए हैं तैयार, हम इनको एक एक दो दो करके निकाल लेंगे। साथ साथ प्याज भुन रहा है, देखिए कोफ्ते कितने बढ़िया है ना, कहीं से काले कहीं से लाइट ब्राउन, ऐसा नहीं है, है ना, सारे एक से कलर हैं। तो और पका हुआ है बिल्कुल अंदर तक। अब हम वापस प्याज की तरफ चलते हैं। अब हमने फ्लेम को कर लिया है हाई फ्लेम पर, हम प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक को भून लेंगे जो हमने चॉप किया है। और जो भी आपकी मिस हो जाएंगी कुछ चीज़ें, वो सब मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो प्याज भूनने के बाद मिलते हैं आपसे। जब ये प्याज इस तरह से भून जाए ना, तब हम डालेंगे इसमें टमाटर जो हमने ग्राइंड करके रखा है, दो टमाटर हैं ये। अब हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, नमक डालने से टमाटर वैसे भी थोड़ा जल्दी भुन जाता है, और टमाटर को भूनेंगे। टमाटर भुन गया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें सोया सॉस,
ये है 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद डालेंगे हम इसमें विनेगर 1 टीस्पून और टोमेटो केचप किसान वाला, ये हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको करते हैं मिक्स। अजीना मोटो हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, और हमने ना स्लरी बनाई है अरारूट की, 4 बड़े चम्मच और थोड़ा पानी ले, ताकि क्या है इसमें और तो कुछ होता नहीं है ग्रेवी में, उसको थिक करने के लिए अरारूट डालते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं पानी, देखिए ये देखिए अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। और हमने ना इसमें 2 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि कोफ्ते भी ना 20 से 25 बन गए हैं हमारे, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। और अब हमने जो स्लरी बनाई है ना वो डाल रहे हैं लगातार चलाते हुए, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। गैस को धीमा कर लें और लगातार चलाते हुए ये स्लरी जो घोल हमने बना के रखा है, क्योंकि यही आपकी ग्रेवी को ना थिक करेगा। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है, और मैं आपको इससे दिखाऊं स्पून से कितनी थिक ये ग्रेवी है, ठीक है। क्योंकि कोफ्ते भी जब इसमें डलते हैं ना मंचूरियन वाली बॉल्स, तो वो भी पी जाती हैं ग्रेवी को। और आपने अगर ड्राई बनाना है तो आप जब पानी ना डालिए, उसी ग्रेवी में थोड़ा सा ये करके और डाल दीजिए, तो लिपट जाएंगे कोफ्ते, वो ड्राई मंचूरियन बन जाएगा। ये ग्रेवी वाला है इसलिए हमने ग्रेवी बनाई है। और सॉल्ट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सॉल्ट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सॉसेज में भी सॉल्ट है, तो आप कम ही डालें शुरू में, क्योंकि हम बाद में ना वो ऐड कर सकते हैं। और ये हमने इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल दी हैं, देखिए ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ना और 2-4 मिनट रखने के बाद अच्छी थिक ग्रेवी हो जाती है, और कोफ्ते भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसा हमारा मंचूरियन बना है। खाने में तो लाजवाब है, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट करके देखा है, तो आप बनाइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी है, बहुत आसान है। हरा प्याज नहीं था हमने, वो भी नहीं डाला है, तो जो घर में अवेलेबल चीज़ें थी ना उन्हीं के साथ फटाफट बना दिया। और ये देखिए हमारा ये यमी सा मंचूरियन बनकर तैयार है ना टेस्टी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।